चिकन तंदूरी कढ़ाई स्पाइसी जॉक फूड के स्टाइल में तैयार है। ये देखें कितनी मज़ेदार हमने बनाई है, कितनी दिलफरेब, खुश रंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी जॉक फूड। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी तंदूरी चिकन कढ़ाई। कैसे बनाएंगे मज़ेदार और यमी, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चिकन तंदूरी कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे एक प्याला। प्याले में हम डालते हैं चिकन। चिकन मैंने ली है इस तरह से छोटे टुकड़ों में, कढ़ाई वाले टुकड़ों में 1.25 किलो बोन्स के साथ। सिर्फ खूबसूरती देने के लिए हम इसमें थोड़े से कट्स लगा लेते हैं लेग में, बाकी हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि बोटियाँ छोटी हैं। ये सिर्फ हम एक अच्छी सी खूबसूरती के लिए कट्स लगा लिए, खूबसूरती के लिए, एक अच्छे से हमें टेक्सचर के लिए, प्रेजेंटेशन के हिसाब से। अब इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास है 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, जो कि है मेरे पास 6 टेबलस्पून, और इसमें अब हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का रेगुलर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने लिया है फुल भर के भुना और कुटा हुआ धनिया। यानी पहले भर के लिया और फिर उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और फिर मैंने कूट लिया है। ये हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं, ये मेरे पास है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब तंदूरी मसाला, यानी तंदूरी कलर फूड कलर है रेड कलर का, ये डालेंगे। चलें अब इसको पहले तो मिक्स करते हैं दही के साथ इस तरह से, और अब हम इसको देंगे अच्छा सा यहाँ पर मसाज, मिक्स करेंगे मसाला। अच्छे से देखें हम इसे मिक्स कर लें। अगर आपको मिर्चें कम लगती हैं और आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टीस्पून डाल सकते हैं या 1 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे फ्लेवरफुल बनाएंगे ऐसा कि जो खाए और मज़ा आ जाए। चलें अब इसे हमने कर दिया है अच्छे से मैरिनेट, और मैरिनेट करके हम इसे रखते हैं 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद अगले स्टेप पर आते हैं। मैरिनेट करके रखे हुए चिकन को तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के करीब, थोड़ी सी कम डाली है, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। चलें अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसे जल्दी से तैयार करने के लिए, कुक करने के लिए तैयारी करते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। चलिए कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं 1/2 कप के करीब ऑयल। मैरिनेट करके हमने रखा हुआ है चिकन को, अब हम डाल देते हैं ऑयल में। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि ऑयल छलकेगा और जलने का खतरा हो सकता है, तो हल्का सा गर्म ऑयल हो जाए और इसमें आप ये डाल दें। चलिए इसे पकड़ते हैं और इस तरह से आराम से इसे मिक्स करते हैं। और अब हम इसका फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा लो और इसे पकने देते हैं, कवर कर देते हैं। जब तक चिकन टेंडर होती है, गलती है और दही पानी छोड़ेगी,
चिकन पकाते हैं और फिर दिखाते रहेंगे आपको वक्तन फवक्तन। ये देखें, हमने कवर करके पकने के लिए रख दी थी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, चिकन कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब दही ने ये देखें पानी रिलीज़ किया है, जो कि कढ़ाई में हमें नहीं चाहिए। तो अब हम फ्लेम करते हैं थोड़ा सा हाई। ये देखें कितना अच्छे से भुन गया है, सारा पानी दही का जो था वो खुश्क हो गया, ऑयल बाहर आ गया है। अब हम फ्लेम फिर से लो कर देते हैं और इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी। और फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें रखते हैं ये एक स्टील की छोटी सी प्लेट, और इसमें स्मोक का हम देंगे धुआं, ताकि बिल्कुल तंदूरी जायका आ जाए बेहतरीन सा। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस पर डालते हैं चंद कतरे ऑयल के और इसको करते हैं कवर। धुएं का हम इसमें देंगे स्मोक, ताकि जितना अच्छा हमें धुआं पसंद हो हम उतना ज़्यादा धुआं इसमें रखेंगे और बाकी फिर हम इसे रिमूव कर देंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से धुआं इसमें आ गया है। अब हम इसे प्याली को रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इसे 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से ये धुआं इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें मज़ेदार सी कढ़ाई, तंदूरी कढ़ाई तैयार है। चलें हम डिश आउट करते हैं इसे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे हमारे तरीके से, आपको बिल्कुल भी फ्लेवर का अंदाज़ा नहीं होगा। आप मिर्चें नमक अपने हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें हमने कट लगाए थे, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत। अब हम इसे गार्निश करते हैं थोड़े से कटे हुए धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन तंदूरी कढ़ाई स्पाइसीज ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। ये देखें कितनी मज़ेदार हमने बनाई है, कितनी दिलफरेब खुश रंग। हमारे तरीके से बनाइए तंदूरी कढ़ाई और इन्जॉय कीजिए। चपाती के साथ, नान के साथ मज़े ले लेकर खाइए और हमें फीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।